नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी गुरुराज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को BTC सेकेंड सेमेस्टर गणित विषय के सत्र 2016 के सेकेंड सेट को हल कराऊंगा। तो इसके लिए मेरे वीडियो को इन तक देखिए, और ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मैं इससे पहले सत्र 2017 तथा सत्र 2016 का सेट फर्स्ट हल करवा चुका हूँ। तो जो लोग अभी तक मेरे वीडियोज ना देखे हों तो BTC सेकेंड सेमेस्टर मैथ के प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग वहां से मेरे वो वीडियो भी देख सकते हैं। और जो लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो वह लोग इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो आप लोग यहां पर अपना नेम और डिस्ट्रिक्ट लिखकर के जो है मैसेज सेंड कर दीजिए, तो मैं आप लोगों को जो है व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दूंगा। और इसी नंबर पर आप लोग जो है टेलीग्राम के लिए भी संपर्क कर सकते हैं, यानी कि जो लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो वह लोग इसी नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो यहां से आप लोगों को लिंक मिल जाएगी और उसके द्वारा आप लोग टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, क्योंकि जो पेपर हल करवाए जाते हैं उनका PDF आप लोगों को टेलीग्राम से ही मिलेगा। वहीं से आप लोग PDF जो है डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर जब पेपर सॉल्व करवाया जाता है तो उस समय कोशिश करिए कि आप क्वेश्चन को नोट ना करिए, यानी कि क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, और उसके बाद फिर बाद में जब PDF आप लोगों को दी जाती है तो वहाँ से डाउनलोड करके फिर आप नोट्स बना सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जब एक बार आप समझ लोगे अच्छे से तो बाद में आपको क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और नोट करने के चक्कर में अगर आप कहीं समझ ना पाए तो फिर वो क्वेश्चन आप लगा नहीं पाओगे। तो इसलिए जरूरी है कि सबसे पहले आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, और उसके बाद फिर बाद में PDF जब मिल जाएगी तो वहां से आप सारे क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। और जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हल करवाए जा रहे हैं सभी लोग कोशिश करके उस सारे जो है वीडियो अच्छे से देख लीजिए, और सारे क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और काफी ज्यादा आने के चांसेस रहते हैं। इसलिए आप लोग प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं वो बहुत ही अच्छे से तैयार कर लेना। और मैं देखिए पहले भी दो बार जो है आप लोगों को पूरा कोर्स पढ़ा चुका हूं और उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पढ़ा चुका हूं। तो आप लोग जो है जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हल करवाए जा रहे हैं तो उसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा जो आप लोगों को ना बताया गया हो, लेकिन फिर भी जो है यहां पर जो है प्रीवियस ईयर के पेपर हल करवाए जा रहे हैं, जिससे आप लोगों का इसी बहाने जो है रिवीजन होता रहे। और जो है यहां पर अब देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, परिमेय संख्या -4/9 से छोटी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या -4/9 से छोटी परिमेय संख्या है। तो देखिए यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से आपको सही ऑप्शन जो है करना रहता है। तो यहाँ पर देखिए मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ, यानी कि जितने भी प्रीवियस ईयर के जो है पेपर हल करवाए जाते हैं उसमें मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं यानी कि बहुविकल्पीय क्वेश्चन होते हैं उसमें आप लोगों को क्वेश्चन जरूर उतारना है, यानी कि पहले क्वेश्चन उतारिए, उसके बाद जो सही विकल्प है वो सही विकल्प उतार करके उसके आगे टिक कर दीजिए। भले ही आप चारों विकल्प ना लिखें, लेकिन जो सही विकल्प है उसको लिख करके और फिर उस पर सही का टिक कर दीजिए। और ये नहीं कि सिर्फ आंसर नंबर एक डाल करके और सही विकल्प लिख दीजिए, इस तरीके से बहुविकल्पीय क्वेश्चन नहीं किए जाते हैं। तो इसलिए आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन उतारिए और उसके बाद फिर उसका आंसर लिखिए, और आंसर लिख करके फिर सही का टिक कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए परिमेय संख्या -4/9 से छोटी परिमेय संख्या है, तो यहाँ पर जो है इससे छोटी परिमेय संख्या बताना है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो बहुत बार आप लोगों को बताया गया है और आप सभी लोग जानते भी होंगे, जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सके वह परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, यानी कि जो संख्या भिन्न के रूप में हमको देखने को मिलती है वह क्या होती है, परिमेय संख्या होती है, चाहे वो माइनस में हो और चाहे प्लस में हो। ये भी आप लोगों को याद रखने की जरूरत है, ये नहीं कि माइनस में संख्या दी गई है तो परिमेय संख्या नहीं है। देखिए जो माइनस में संख्याएं होती हैं वो भी परिमेय संख्या है, जो प्लस में होती हैं वो भी, सिर्फ आपको देखना है कि वो P/Q के रूप में दी हुई हो।
अब यहाँ पर देखिए छोटी संख्या बताना है, यानी कि इससे छोटी संख्या बतानी है। तो देखिए छोटी संख्याएं जब माइनस में चेक करते हैं तो देखिए माइनस में जो देखने में बड़ी हो वही सबसे छोटी होती है, और जो छोटी होती हैं वही जो है सबसे बड़ी संख्या होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए माइनस चार बटे नौ दिया हुआ है, अब यहाँ पर देखिए बटे में सबके नौ दिया हुआ है, यानी कि हर सबका समान है। तो अब यहाँ पर जिनका अंश बड़ा होगा वही संख्या क्या होगी, बड़ी होगी, जिनका अंश छोटा होगा वही संख्या क्या होगी, छोटी होगी। तो यहाँ पर इससे छोटी संख्या बतानी है, तो यहाँ पर देखिए ये संख्या और ये संख्या प्लस में है, तो ये तो ऑलरेडी देखिए इससे बड़ी संख्याएं हो जाएंगी, क्योंकि जो माइनस में संख्या होगी वही इससे छोटी हो सकती है, प्लस वाली संख्या तो ऑलरेडी इससे बड़ी होगी, इसलिए इन दोनों को तो पहले ही छोड़ देंगे। उसके बाद अब बची ये और ये संख्या, तो यहां पर देखिए माइनस चार है और यहां पर माइनस एक है, तो हमने कहा था जो संख्या छोटी होगी वही बड़ी मानी जाएगी, जो बड़ी होगी वो छोटी मानी जाएगी। तो यहां पर देखिए माइनस का वन जो है वो छोटा है, यानी कि ये संख्या माइनस में बड़ी होगी और ये संख्या छोटी होगी, लेकिन हमको इससे छोटी संख्या बतानी है। तो देखिए माइनस का सात क्या होगा, इससे छोटी संख्या होगी, यानी कि ये ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम बहुत ही आसानी से जो है माइनस वाली परिमेय संख्याओं को भी छोटी और बड़ी संख्याएं आराम से छांट सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो देखिए क्वेश्चन नंबर दो है, 16, 32 और 64 का लाशा है, यानी कि यहाँ पर लाशा ज्ञात करना है। तो देखिए लाशा कैसे ज्ञात करते हैं, तो यहाँ पर जो भी संख्याएं दी हुई होती हैं उनके पहाड़े में हम देखते हैं कि कौन सी ऐसी संख्या है जो सबसे पहले आती है और तीनों के पहाड़े में आती है, ये हमको ध्यान करना रहता है। तो यहाँ पर देखिए 16 एक, यहाँ पर देखिए 64 एकम 64 हो जाएगा, यहाँ पर 32 दुन्ना 64 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 16 की टेबल पढ़ोगे तो 16 16 16 दुन 32 16 3 48 और 16 चौको 64 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 64 एक ऐसी संख्या है जो 64 के भी पहाड़े में है, 32 के भी पहाड़े में है और 16 के भी पहाड़े में है, और जो है सबसे पहले आ रही है। तो इस प्रकार से इसका जो लाशा है वो लाशा क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं, तो इसका लाशा देखिए हो जाएगा 64। ये भी देखिए बहुविकल्पीय वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर भी आपको चार ऑप्शन दिए जाएंगे और चार ऑप्शन में आपको सही ऑप्शन जो है वो चुनना रहेगा, लेकिन यहाँ पर हमने ऑप्शन नहीं लिखे, यहाँ पर सिर्फ आप लोगों को सही आंसर बताया जा रहा है। जब आपको लगाने का तरीका पता होगा तो आप वहां पर लगा करके सही ऑप्शन खुद ब खुद चुन लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर दो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीन, तो देखिए क्वेश्चन नंबर तीन है, देखिए समीकरण 1.5y - 7 = 0.5y का हल है। देखिए सारे क्वेश्चन आप लोगों को हल करवाए जा चुके हैं, जो स्टूडेंट हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं उनको तुरंत याद आएगा कि ये सारे क्वेश्चन पहले ही हल हो चुके हैं। तो इसमें ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों को वही मिलेंगे जो पहले हल करवाए जा चुके हैं, फिर भी आप लोगों को प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं वो हल करवाए जा रहे हैं, तो जो भी क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे उनको मैं हल करवाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हो जाएगा 1.5y - 7 = 0.5y, यानी कि पहले इसको उतार लेंगे, फिर देखिए इसको क्या करेंगे, इसको इधर पक्षांतर कर लेंगे, तो 1.5y और जो है यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 0.5y और बराबर हो जाएगा 7। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है एक पॉइंट पांच वाई है, यानी कि 1.5y इसको बोल सकते हैं, और यहाँ पर आधा वाई इसमें से घट जाएगा तो कितना बचेगा, 1y बचेगा, और y के साथ में 1 लिखा नहीं जाता है इसलिए यहाँ पर केवल y लिखा जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 7। तो इस प्रकार से y का मान कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए y का हल करने का मतलब क्या है, कि y का मान हमको निकालना था, तो इस प्रकार से y का मान कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर देखिए y फिर छोटा ब्रैकेट है z - x फिर प्लस z x - y प्लस x y - z का हल है। तो ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है और अभी जल्द ही एक दो दिन पहले हल भी करवाया गया है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इनका अंदर गुणा कर लेंगे, तो यहाँ पर देखिए y का z में गुणा होगा तो yz हो जाएगा, फिर माइनस से माइनस लगाएंगे, फिर yx हो जाएगा, फिर प्लस zx हो जाएगा, फिर यहाँ पर इसका गुणा होगा तो हो जाएगा माइनस का zy और फिर प्लस
एक्स वाई हो जाएगा और फिर यहाँ पर माइनस का एक्स जेड हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए वाई जेड है और वाई जेड वाला यहाँ पर देखिए कोई पद और है तो यहाँ पर देखिए वाई जेड है, यहाँ पर भी वाई जेड है और जो है एक प्लस है एक माइनस तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। फिर देखिए यहाँ एक्स वाई है, यहाँ एक्स वाई है, एक प्लस का है एक माइनस का है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर इस तरह से आप लोग भ्रमित ना होना कि कोई संख्या आगे पीछे दी हुई है तो आप उसको सोचो कि ये आपस में मिल नहीं रही है। जैसे यहाँ पर देखिए जेड एक्स दिया हुआ, यहाँ एक्स जेड दिया हुआ है तो यहाँ पर आप लोग भ्रमित ना होना, यानी कि गुणे में आगे पीछे संख्याएं दी जा सकती हैं। जैसे दो तिहाई छह कहो और चाहे तीन दुन्ना छह कहो, यानी कि आगे पीछे उनको किया जा सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहां पर देखिए एक प्लस में संख्या एक माइनस में है तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगी और इस प्रकार से यहां पर देखिए क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा और जो है यही इसका ऑप्शन जीरो वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर और आधार 15 सेंटीमीटर है, त्रिभुज की संगत ऊंचाई होगी। तो देखिए यहाँ पर हम सीधे से त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख लीजिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर देखिए फार्मूला होता है एक बटे दो गुड़े आधार गुड़े ऊंचाई, ये होता है इसका फार्मूला। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ था, क्षेत्रफल की जगह पर 45 लिख लेंगे, फिर यहाँ पर एक बटे दो हो जाएगा और आधार देखिए 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो 15 सेंटीमीटर लिख लेंगे और ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है तो ऊंचाई को ऊंचाई ही लिखा रहने देंगे। अब देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पर ऊंचाई को एक तरफ रखेंगे, बाकी संख्याओं को पक्षांतर कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए ऊंचाई को मान लीजिए हम इधर ही रख रहे हैं और इन संख्याओं को इधर भेजेंगे तो देखिए ऊंचाई के साथ में 15 क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है तो इधर जाएगा तो भाग करेगा तो 45 बटे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर देखिए दो इसके साथ में ऊंचाई के साथ में क्या कर रहा है, भाग कर रहा है तो ये जाएगा इधर तो गुणा करेगा तो ये ऊपर जाएगा यानी कि अंश में गुणा करेगा। और फिर यहाँ पर देखिए ऊंचाई बराबर लिख लेंगे, यहाँ पर 15 तिया 45 हो जाएगा और फिर 3 का 2 में गुणा हो जाएगा तो 3 दुना 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऊंचाई हमारी कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी, सेंटीमीटर में दी हुई थी, यहाँ पर इस तरीके से सेंटीमीटर लिख लेंगे तो ऊंचाई हमारी कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही आसानी से किए जा सकते हैं। देखिए 5 ही बहुविकल्पीय क्वेश्चन दिए जाते हैं तो 5ों बहुविकल्पीय क्वेश्चन आप लोगों को हल करा दिए गए हैं। अब देखते हैं अतिलघुत्तरीय क्वेश्चन। तो देखिए अतिलघुत्तरीय प्रश्न का पहला क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6, 83 के अंकों को परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या को मूल संख्या से घटाने पर कौन सी संख्या मिलती है। बहुत बार ये क्वेश्चन बताया गया है तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है तो इम्पॉर्टेंट तो है ही, लेकिन आप सभी को ये क्वेश्चन रट गया होगा, यानी कि हमारे चैनल पर ही कई बार बताया गया है कि 83 के अंकों को परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या को मूल संख्या से घटाने पर कौन सी संख्या मिलती है। तो यहाँ पर देखिए इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर जो है सबसे पहले तो इनके अंकों को बदल लेंगे, तो देखिए अंकों को इसके बदलेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर देखिए 38 आएगा, फिर बदलने पर यानी कि इसको आगे और इसको पीछे करेंगे तो कितना आ जाएगा, इस तरीके से देखिए 38 आ जाएगा। और फिर कहा गया है कि मूल संख्या से घटाने पर कौन सी संख्या मिलती है, तो देखिए मूल संख्या हमारी क्या है, 83 है, तो इसको 83 में से घटा देंगे तो कितना मिलेगा, तो यहाँ पर देखिए 13 में से 8 आ जाएगा, 8 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, जो है 8 × 5 = 13 होता है यानी कि 5 आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए फिर बचेगा 7 और 7 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4। तो इस प्रकार से 45 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीकरण −4x + 3 = −6x − 18 को हल कीजिए, यानी कि यहाँ पर हमको x की वैल्यू निकालनी है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन ये भी है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको उतार लेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 4 − 4x और उसके बाद फिर देखिए प्लस का 3 और बराबर
प्लस का 3 और बराबर माइनस का 6x और माइनस का 18 हो जाएगा। और फिर अब क्या करेंगे, x वाले पद एक तरफ कर लेंगे और जो अचर पद हैं उनको एक तरफ कर लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 4x और फिर देखिए ये इधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 6x हो जाएगा और फिर यहाँ पर माइनस का 18 है और जो है प्लस का 3 इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का 3 हो जाएगा। अब देखिए 6x में से 4x घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा और यहाँ पर देखिए माइनस माइनस हमेशा क्या होते हैं जुड़ करके माइनस होते हैं, यानी कि जुड़ तो जाएंगे लेकिन चिन्ह किसका लगेगा माइनस का लगेगा, तो इस प्रकार से यहाँ पर माइनस हो जाएगा और 18 तीन कितना होता है 21 होता है तो 21 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ x को इधर ही रखेंगे और ये इस 2 को भी इधर भेज देंगे, तो इस 2 को इधर भेजेंगे तो देखिए ये x के साथ में गुणा कर रहा है, इधर जाएगा तो भाग करेगा तो 21 बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो इस प्रकार से जो है x बराबर कितना हो जाएगा माइनस 21 बटे 2 हो जाएगा, तो इस प्रकार से x का मान निकल आएगा। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कक्षा की लंबाई 11 मीटर चौड़ाई 8 मीटर और ऊंचाई 5 मीटर है, कक्षा की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए हम एक फार्मूला लिख रहे हैं और ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए और इसी से जो है बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन लग जाएगा। यहाँ पर देखिए लिखेंगे चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर, देखिए चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 2l + b × h, यानी कि 2l क्या है लंबाई है और b क्या है चौड़ाई है और h क्या है ऊंचाई है, तो यहाँ पर ये फार्मूला लगा दीजिए 2l + b × h, तो यहाँ पर देखिए 2 × l कितना है 11 है और b कितना है 8 है और h हमको क्या करना है, h निकालना नहीं, h भी दिया हुआ है कितना है 5 है और हमको क्या करना है चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ पर देखिए इसी को हम हल कर लेंगे, तो यहाँ पर देखिए 11 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा और 19 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 19 का 2 में गुणा करेंगे और उससे पहले देखिए 5 का 2 में गुणा कर लीजिए, 5 × 2 = 10 हो जाएगा और 10 गुणे कितना हो जाएगा 19 यहाँ पर, और फिर 19 का 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 190 हो जाएगा, और देखिए मीटर में दिया हुआ है इसलिए यहाँ पर क्षेत्रफल है तो किस में हो जाएगा वर्ग मीटर में इसका आंसर हो जाएगा। देखिए क्षेत्रफल जो है वो हमेशा किस में लिखा जाता है वर्ग में लिखा जाता है, यानी कि अगर लंबाई और चौड़ाई जो है सेंटीमीटर में दी हुई है तो वर्ग सेंटीमीटर में उसका क्षेत्रफल आएगा, अगर मीटर में लंबाई चौड़ाई दी हुई है तो हमेशा वर्ग मीटर में जो है उसका क्षेत्रफल आएगा, ये आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए यही फार्मूला आपको लगाना है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल कहा जाए तो 2l + b × h, इस तरीके से यही फार्मूला लगा देंगे और जो है बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है x² + 1/x² का मान ज्ञात कीजिए जबकि x + 1/x = 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए ये मान हमको दिया हुआ है, इसकी सहायता से हमको इसका मान निकालना है, तो देखिए ये जो है कई बार इस टाइप के क्वेश्चन हम बता चुके हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो ये दिया हुआ है इसको नीचे उतार लेंगे x + 1/x = 2, अब यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, देखिए दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा x + 1/x² और यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो देखिए यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा a² + b² और प्लस का 2ab, यानी 2 × x × 1/x और बराबर यहाँ पर 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए x से x कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर देखिए क्या बचा x² + 1/x² और यहाँ पर देखिए ये 2 केवल बचा, यहाँ पर देखिए x x कैंसिल हो चुका है तो यहाँ पर 2 बचा और 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा केवल 2 ही रहेगा और 2 यहाँ पर प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस करेगा तो यहाँ पर 4 - 2 हो जाएगा।
अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, चार में से दो जाएगा तो यहाँ पर दो बचेगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर x प्लस वन अपान एक्स बराबर भी टू दिया हुआ है और इसका जब स्क्वायर करेंगे तब भी क्या हो जाएगा, तब भी जो इसका मान टू ही आएगा। तो इस प्रकार से देखिए इसका मान भी जो है टू आएगा और इसका मान भी टू दिया हुआ है। तो इस प्रकार से बहुत ही आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। देखिए यहाँ पर तीन परिमेय संख्याएं माइनस की दी हुई हैं, इनको क्या करना है आरोही क्रम में लिखना है। देखिए जब हर बराबर होते हैं तो हमको आरोही क्रम में लिखने में कोई दिक्कत नहीं होती, चाहे आरोही क्रम में लिखना हो और चाहे अवरोही क्रम में लिखना हो। लेकिन जब जो है हर बराबर नहीं होता है तो हमको फिर क्या करना पड़ता है, हर बराबर करना पड़ता है। जब तक उनका हर बराबर नहीं करोगे तब तक आप जो है आसानी से डिसाइड नहीं कर सकते हो कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है। इसलिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम लेके जो है इनका हर बराबर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहली संख्या क्या दी हुई है, माइनस का 7/9, और फिर दूसरी संख्या दी हुई माइनस का 5/21, और तीसरी संख्या दी हुई है 2/-3। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे और इनको जो है ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 7/9 हो जाएगा, यहाँ पर 5/21 हो जाएगा, और फिर यहाँ 2/3 हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, अब 9, 21 और 3 का जो है एलसीएम ले लेंगे। तो देखिए एलसीएम इनका क्या होगा, तो देखिए एलसीएम होगा इनका जो है 63। देखिए यहाँ पर 63 एक संख्या है जो 21 से भी कट जा रही है, और जो है 9 × 7 = 63, 9 से भी कट जाएगी, और देखिए 21 × 3 = 63, यानी अगर 3 में 21 से गुणा करोगे तब भी जो है 63 आएगा। तो यहाँ पर देखिए इसका जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, सबके बटे में 63 लिख लेंगे। यानी कि यहाँ पर देखिए 9 × 7 = 63 होता है, तो ऊपर भी जो है 7 से गुणा हो जाएगा और नीचे भी क्या होगा 7 से गुणा हो जाएगा। और इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 21 × 3 = 63 होता है, तो ऊपर भी 3 से गुणा होगा और नीचे भी 3 से गुणा हो जाएगा। और इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 21 से गुणा नीचे होगा तब जो है 63 होगा। तो यहाँ पर देखिए ऊपर भी क्या करेंगे 21 से गुणा कर देंगे। तो इस प्रकार से देखिए ये संख्याएं हो जाएंगी। अब गुणा करके इनको लिख लेंगे, तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा 7 × 49 / 9 × 63, और फिर यहाँ पर 5 × 3 = 15 हो जाएगा, और यहाँ पर 21 × 3 = 63 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर देखिए 21 × 2 = 42 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 21 × 3 = 63 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब देखिए इन संख्याओं को हम माइनस के साथ में लिख लेंगे, यानी इस माइनस का फिर अंदर गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा माइनस का 49/63, और फिर यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 15/63, और फिर यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 42/63। और अब इनको हम क्या करेंगे, आरोही क्रम में लिख लेंगे। तो यहाँ पर डाल दीजिए आरोही क्रम। देखिए आरोही क्रम का मतलब सबको पता होना चाहिए, आरोही क्रम का क्या मतलब होता है, बढ़ते क्रम में। यानी कि सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर क्या होता है लास्ट में सबसे बड़ी संख्या लिखी जाती है। यानी कि छोटे से बड़े की तरफ संख्याएं बढ़ते क्रम में लिखते हैं। और जो अवरोही क्रम होता है वो क्या होता है, वो घटता क्रम होता है। यानी कि सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर लास्ट में सबसे छोटी संख्या लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए आरोही क्रम में हमको लिखना है, तो सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो देखिए यहाँ पर हर सबका बराबर हो चुका है, तो हम अंश में देखेंगे जो सबसे छोटी संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, वो सबसे छोटी संख्या मानी जाएगी, और जो सबसे बड़ी संख्या होगी वही सबसे बड़ी संख्या होगी। तो एक बात अभी देखिए पहले बताई गई थी कि माइनस में जो संख्या सबसे छोटी होती है वही सबसे बड़ी मानी जाती है, और जो सबसे बड़ी होती है वही सबसे छोटी मानी जाती है। तो यहाँ पर देखिए माइनस में ये सबसे बड़ी संख्या है, इसका मतलब क्या होगा, यही सबसे
छोटी संख्या हो जाएगी, तो इसी को सबसे पहले लिख लेंगे। फिर देखिए इससे बड़ी संख्या कौन सी है, तो इससे बड़ी संख्या देखिए ये मानी जाएगी, क्योंकि माइनस में देखिए इससे ये छोटी संख्या है, तो यही इससे बड़ी मानी जाएगी। तो यहाँ पर माइनस का क्या हो जाएगा, 42/63 हो जाएगा। और फिर सबसे लास्ट में देखिए माइनस का 15/63 लिख लेंगे, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से जो है माइनस वाली संख्याओं को बड़े ही आसानी से आरोही क्रम में लिखा जा सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लूटो का जन्म 429 ईसा पूर्व में हुआ था, तथा देखिए प्लूटो का जन्म 429 ईसा पूर्व में हुआ था तथा 348 ईसा पूर्व में दिवंगत हुए। दिवंगत का मतलब यानी कि वो जो है उनकी मृत्यु जो है 348 ईसा पूर्व में हुई, वह कितने वर्षों तक जीवित रहे ये हमको बताना है। देखिए यहाँ पर ईसा पूर्व का मतलब आप लोग समझ लीजिए, ईसा पूर्व का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय। तो यहाँ पर देखिए ईसा मसीह के जन्म से 429 वर्ष पूर्व जो है क्या हुए थे, उनका जन्म हुआ था प्लूटो का, और जो है उनके ईसा मसीह के जन्म से जो है 348 पूर्व क्या हुए, वो दिवंगत हुए। तो यहाँ पर देखिए जो है आपको देखने में अगर ईसवी की तरीके से अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको उल्टा लगेगा, आपको लगेगा यानी कि वो पैदा बाद में हुए और जो है खत्म पहले हो गए। तो यहाँ पर देखिए ऐसा नहीं, यहाँ पर ईसा पूर्व यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय दिया हुआ है, तो यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 429 वर्ष पूर्व जो है पैदा हुए और 348 ईसा पूर्व यानी कि उनके जो है ईसा मसीह के जन्म से 348 पूर्व उनकी मृत्यु हुई। तो यहाँ पर हमको बताना है कि प्लूटो कितने वर्ष तक जीवित रहे। तो यहाँ पर देखिए कैसे हम इसको हल करेंगे, यहाँ पर देखिए 429 में से जो है 348 को सीधे से घटा देंगे और जितना आएगा उतने वर्ष समझ लीजिए कि वो जीवित रहे। तो यहाँ पर देखिए 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा, फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 में से 4 जाएगा तो यहाँ पर 2 में से 4 जाएगा नहीं, इधर से 1 हासिल लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 12, और 12 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और फिर यहाँ 3 बचा, 3 में से 3 जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 81 वर्ष आ रहा है, यानी कि प्लूटो कितने वर्ष जीवित रहे, 81 वर्ष जीवित रहे। तो इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हल किए जा सकते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट अगर यहाँ पर ध्यान न दिए और ईसा पूर्व का मतलब उनको नहीं पता हुआ तो उनको लगेगा कि ये क्वेश्चन गलत दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन गलत नहीं है, आप लोग जान लीजिए कि ईसा पूर्व का मतलब है ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर लघुत्तरीय प्रश्न, यानी कि अब आपके लघुत्तरीय प्रश्न शुरू हो गए हैं, अभी तक अतिलघुत्तरीय क्वेश्चन चल रहे थे। तो यहाँ पर देखिए लघुत्तरीय प्रश्न का पहला क्वेश्चन देखते हैं, 112 माइनस यहाँ पर बड़ा ब्रेकेट है 121, फिर भागे 11/11 दिया हुआ है, माइनस माइनस 4 और फिर माइनस, फिर मंझला ब्रेकेट 3 माइनस, फिर देखिए रेखा ब्रेकेट दिया हुआ 8 माइनस 1 और फिर दिया हुआ है मंझला ब्रेकेट, फिर बड़ा ब्रेकेट को सरल कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन भी आप लोगों को हल करवाया गया है और जो लोग पहले से हमसे जुड़े हुए हैं वो देख चुके होंगे इसका सॉल्यूशन, और यहाँ पर भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ तो आप लोग ध्यान से देखना, जैसा कि आप सभी को पता भी हो गया होगा कि ये बॉडमॉस रूल से हल होगा। तो जो लोग बॉडमॉस रूल से हल करना जानते होंगे तो बहुत ही आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 112 माइनस 121, यानी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सवाल को ऐसे ही उतार लेंगे जैसे लिखा हुआ है, 11/11 और फिर माइनस यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 4 और फिर माइनस यहाँ पर मंझला ब्रेकेट 3 माइनस 8 माइनस 1 और फिर रेखा ब्रेकेट और फिर मंझला ब्रेकेट और फिर बड़ा ब्रेकेट। अब देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाएंगे। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि देखिए बॉडमॉस रूल में सबसे पहले हम ब्रेकेट को हल करते हैं, और ब्रेकेट में सबसे पहले हम रेखा ब्रेकेट को हल करते हैं, उसके बाद छोटा ब्रेकेट, उसके बाद मंझला ब्रेकेट, उसके बाद बड़ा ब्रेकेट। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या हल करेंगे, रेखा ब्रेकेट को हल करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 112 माइनस 121, यानी बाकी संख्याओं को ऐसे उतार लेंगे, 11/11 और फिर यहाँ पर माइनस
चार और फिर यहाँ पर देखिए मंझला ब्रेकेट, यहाँ पर तीन माइनस आठ में से एक जाएगा तो यहाँ पर सात बचेगा। इस प्रकार से रेखा ब्रेकेट हल हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, अब जो है छोटे ब्रेकेट को हल करेंगे तो यहाँ पर बाकी संख्याओं को ऐसे उतार लेंगे और उसके बाद फिर छोटे ब्रेकेट को हल कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए छोटा ब्रेकेट ये भी है तो यहाँ पर 11 ग्रहियम कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। तो यहाँ पर 121 टिक लेंगे और उसके बाद फिर छोटा ब्रेकेट हटा देंगे। फिर माइनस, यहाँ पर देखिए माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर प्लस लिख लेंगे, प्लस का 4 हो जाएगा। और इस प्रकार से ये जो छोटा ब्रेकेट है छोटा ब्रेकेट हटा देंगे। और फिर यहाँ पर देखिए माइनस और फिर मंझला ब्रेकेट है तो यहाँ पर देखिए अब क्या करेंगे, मंझले ब्रेकेट को भी हल कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर छोटा ब्रेकेट हल हो चुका है। चाहे तो हम अगले स्टेप में इसको हल करें और चाहे तो यहीं पर भी हल कर लें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर देखिए सात में से तीन जाएगा तो माइनस का चार बचेगा और फिर जो है माइनस के चार को जो है माइनस से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का चार हो जाएगा। तो प्लस का चार हो जाएगा और फिर यहाँ पर जो है बड़ा ब्रेकेट लगा लेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर 112 हो जाएगा और माइनस यहाँ पर देखिए 121 से 121 का भाग करेंगे क्योंकि देखिए यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट केवल बचा हुआ है और जो है बड़े ब्रैकेट में भी अब देखिए सबसे पहले क्या हल करेंगे, भाग हल करेंगे। तो यहाँ पर जब भाग हल करेंगे तो 121 का 121 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, एक आएगा और फिर यहाँ पर प्लस का चार हो जाएगा और यहाँ भी प्लस का चार हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 112 हो जाएगा और माइनस यहाँ पर चार चार आठ हो जाएगा, आठ एक नौ हो जाएगा यानी कि नौ इसमें से घट जाएगा। अब 112 में से नौ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 103 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 103 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से बॉडमास रूल के हिसाब से बहुत ही आसानी से जो है ये क्वेश्चन हल किए जा सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। कापियों की वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3, 6, 12 व 15 बंडलों में अलग अलग किंतु बराबर बराबर बांटी जा सके। बहुत ही आसान क्वेश्चन है तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं, इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमको तुरंत ये पता लग जाना चाहिए कि हमको क्या करना है इसमें, यानी कि ये तो निश्चित हो जाता है कि ऐसे जो है क्वेश्चन में या तो लासा निकाला जाता है या तो मासा निकाला जाता है। लेकिन अब ये नहीं निश्चित हो पाता है कि हम लासा निकालें कि मासा निकालें। तो यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है कि कापियों की वो छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3, 6, 12 व 15 बंडलों में अलग अलग किंतु बराबर बराबर बांटी जा सके। तो यहाँ पर देखिए हमको वो संख्या ज्ञात करनी है जो इन संख्याओं से भाग करने पर पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो यानी कि वो संख्या हमारी क्या हो सकती है, इन संख्याओं का लासा ही हो सकती है। और अगर मासा कहा जाता तो मासा कहा जाता कि वो संख्या जो है इन संख्याओं को पूरी पूरी विभाजित कर दे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पढ़ने से हमको स्पष्ट हो रहा है कि देखिए ऐसी वो संख्या होगी, यानी कि कापियों की वो संख्या ऐसी होगी जो इन सभी संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3, 6, 12 और 15 का हम लासा ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए भाग विधि से लासा ज्ञात कर लीजिए, 3, 6, 12 और 15 का लासा देखिए ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए 2 से इसको काटेंगे तो यहाँ पर देखिए 3 नहीं कटेगा तो इसको ऐसे उतार लेंगे। फिर यहाँ पर 2 × 3 = 6 हो जाएगा और यहाँ 2 × 6 = 12 हो जाएगा और 15 को ऐसे उतार लेंगे। फिर देखिए अभी 2 से 6 और कटेगा तो यहाँ पर 3 को ऐसे उतार लेंगे और यहाँ पर 3 को ऐसे फिर उतार लेंगे और फिर यहाँ पर 2 × 3 = 6 हो जाएगा और फिर यहाँ पर 15 को ऐसे उतार लेंगे। अब यहाँ पर कोई संख्या 2 से नहीं कटेगी, अब इसको हम 3 से काटेंगे तो देखिए 3 × 3 = 3 हो जाएगा, 3 × 3 = 3 और 3 × 3 = 3 3×5 = 15 हो जाएगा। अब यहाँ पर 5 से काटेंगे इसको तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, 1, यहाँ भी 1 और यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 5 × 5 = 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए इन संख्याओं का क्या करेंगे, अब गुणा कर लेंगे और जो गुणनफल आएगा वही क्या होगा, इनका लासा हो जाएगा और वही जो है कापियों की वो संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर लासा हम निकाल लेंगे, लासा बराबर कितना हो जाएगा, 2 × 2 × 3 × 5। तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, 2 × 2 = 4,
चार पंचे 20 और 20 तियाई 60, यानी कि 60 जो है आंसर हमारा हो जाएगा, यानी कि जो कॉपियों की संख्या है वो कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। तो इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन आराम से किए जा सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी की दो गुनी है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे, दो संख्याओं का योग 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी की दो गुनी है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर हम मानेंगे, यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन मान करके ही किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर मानेंगे, माना पहली संख्या बराबर, माना पहली संख्या बराबर x है तथा दूसरी संख्या बराबर। देखिए जब पहली संख्या x मान लोगे तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, तो देखिए दूसरी संख्या यहाँ पर दोनों का योग 24 कहा गया है ना, तो यहाँ पर दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 24 माइनस x हो जाएगी। अब दोनों का अगर योग करोगे तो देखिए x से x कैंसिल हो जाएगा और फिर 24 बच जाएगा। तो इस प्रकार से जो है एक संख्या क्या हो जाएगी, x हो जाएगी, एक हो जाएगी 24 माइनस x। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार अब प्रश्न में देखिए क्या कहा गया है कि उनमें से एक संख्या दूसरी की दो गुनी है, यानी कि यहाँ पर यह निश्चित नहीं किया गया है कि कौन ए जो है दो गुनी है। तो यहाँ पर एक किसी भी संख्या को हम दो गुना कर दें, यहाँ पर कहा गया उनमें से एक संख्या दूसरी की दो गुनी है। तो यहाँ पर देखिए हम एक्स को मान लीजिए दो गुना कर दिए और बराबर दूसरी संख्या के हो जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पर एक संख्या दूसरी संख्या के दो गुनी है। तो यहाँ पर इस तरीके से दो गुना कर देंगे और फिर यहाँ पर 2x हो जाएगा और इसको इधर पक्षांतर कर लेंगे तो ये प्लस का x हो जाएगा और बराबर हो जाएगा 24। अब यहाँ पर देखिए 2x में एक x जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 3x और बराबर हो जाएगा यहाँ पर 24। अब x को इधर रखेंगे, इस 3 को उधर पक्षांतर कर देंगे तो 24/3 हो जाएगा। अब यहाँ पर 3/24 हो जाएगा। अब देखिए x बराबर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो है x की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ से इस x की वैल्यू को क्या करेंगे, यहाँ पर रख देंगे तो हमारी पहली संख्या और दूसरी संख्या आ जाएगी। तो यहाँ पर नीचे लैंग्वेज में लिख सकते हैं, अतः पहली संख्या बराबर क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी, तथा दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगी, देखिए 24 माइनस एक्स कहा गया है तो यहाँ 24 माइनस 8 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 8 इसमें से घटाएंगे तो हो जाएगा कितना, 16। यहाँ पर देखिए 16 8 24 होता है तो यहाँ पर हो जाएगा 16। तो इस प्रकार से एक जो है पहली संख्या 8 हो जाएगी और दूसरी संख्या 16 हो जाएगी और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन आसानी से लगाए जा सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्श्व चित्र में त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR समरूप है, यानी कि समरूप पहले से दिया हुआ है कि दोनों समरूप त्रिभुज हैं, तो त्रिभुज PQR की शेष भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर त्रिभुज ABC और PQR समरूप त्रिभुज हैं ये दिया गया है और हमको करना क्या है, हमको जो है जो शेष भुजाएं हैं उनको ज्ञात करना। तो यहाँ पर देखिए जो बड़ा वाला त्रिभुज है यानी कि ABC, इसकी तीनों भुजाएं दी हुई हैं और जो छोटा वाला त्रिभुज है उसकी सिर्फ एक भुजा दी हुई है। तो हमको क्या करना है, इसकी जो शेष दो भुजाएं हैं उनको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए समरूप त्रिभुज की एक कंडीशन होती है कि जो त्रिभुज की संगत भुजाएं होती हैं, मान लीजिए दो त्रिभुज समरूप त्रिभुज हैं तो उनकी जो संगत भुजाएं होती हैं वो एक दूसरे के समानुपाती होती हैं। तो ये कंडीशन हमको लगाना है और फिर जो है इनके मान निकाल लेना है। तो देखिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR कहा गया है कि समरूप त्रिभुज है तो इनकी जो संगत भुजाएं हैं वो क्या होंगी, समानुपाती होंगी। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे AB और अपान BC। देखिए AB/BC ये वाली AB/BC कर लिए तो यहाँ पर PQ/QR हो जाएगा। देखिए इसके संगत भुजा ये हो जाएगी और इसके संगत भुजा ये, तो देखिए यहाँ पर AB/BC यानी AB/BC हो गया तो यहाँ पर PQ/QR हो जाएगा। तो यहाँ पर बराबर PQ/QR
QR लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए इनके मान रख देंगे, तो यहाँ पर देखिए AB का मान कितना है, तो AB का मान है 2 और बटे BC का मान कितना है देखिए, तो BC का मान है 3, तो यहाँ पर 3 रख लेंगे। फिर PQ का मान देखिए कितना है, तो PQ का मान नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमको PQ का मान निकालना है। फिर QR का मान कितना दिया हुआ है, तो दिया हुआ है 1.5। अब इसको हम हल कर लेंगे और PQ का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसको हल करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 3 का PQ से गुणा हो जाएगा, तो 3PQ हो जाएगा और बराबर यहाँ पर 15 का 2 से गुणा होगा, तो 15 दुना 30 हो जाएगा और यहाँ पर जो है एक अंक के बाद पॉइंट लगा हुआ है, इसलिए 3.0 हो जाएगा। अब PQ बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए अब 3 केवल बचा, तो यहाँ पर 3 ऊपर रखेंगे और इस 3 को नीचे भेज देंगे। अब यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो PQ बराबर कितना हो जाएगा, PQ बराबर 1 हो जाएगा। तो यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन अभी एक भुजा और हमको ज्ञात करनी है, तो उसको भी जो है इसी तरीके से जो है ज्ञात कर लेंगे। यानी कि यहाँ पर हमारी ये भुजा PQ आ चुकी है, अब क्या करेंगे इस भुजा को ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर भी देखिए क्या करेंगे, AC अपान BC वाली कंडीशन लगा देंगे, AC अपान BC और फिर जो है ये PR अपान जो है QR कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या कंडीशन लगाएंगे, AC अपान BC बराबर क्या हो जाएगा, PR अपान क्या हो जाएगा, QR। तो यहां पर देखिए AC कितना दिया हुआ, AC दिया हुआ 2.8 और फिर यहां पर BC कितना दिया हुआ है, BC दिया हुआ है 3 और फिर जो है PR कितना दिया हुआ है, तो देखिए PR दिया हुआ है, PR देखिए PR दिया नहीं है, तो PR को ऐसे ही रखेंगे क्योंकि इसको ज्ञात करना है। फिर देखिए QR दिया हुआ है 1.5, तो 1.5 लिख लेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर तिरछा गुणा कर लेंगे, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 3PR बराबर यहाँ पर देखिए इसका इसके साथ में गुणा होगा, तो कितना हो जाएगा 2.8 और मल्टीप्लाई बाई 1.5। और यहाँ पर देखिए अभी नहीं लिखेंगे, अगले स्टेप में बटे लगाएंगे, तो यहाँ पर PR बराबर फिर लिखेंगे, PR बराबर क्या हो जाएगा 2.8 मल्टीप्लाई बाई 1.5 और फिर अपान 3। अब देखिए 3 से यहाँ पर जो है क्या करेंगे, इसका भाग कर देंगे, तो देखिए भाग करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पर देखिए 3 × 5 = 15 हो जाएगा, यानी कि 0.5 यहाँ पर आ जाएगा और 0.5 से इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 5 × 8 = 40, 40 का 0 और फिर यहाँ पर 5 × 2 = 10 और 10 × 4 = 14 हो जाएगा। और देखिए एक यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव लगा है और एक अंक के बाद यहाँ दशमलव लगा है, तो 2 अंकों के बाद दशमलव लग जाएगा, तो यहाँ पर 1, 2 अंकों के बाद दशमलव लग जाएगा। तो इस प्रकार से 1.4 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आसानी से किए जा सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 12 और x² + y² + z² = 64, तो xy + yz + zx का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए जो ये दिया हुआ है इसको नीचे उतार लेंगे। देखिए x + y + z = 12 दिया हुआ है और फिर देखिए इसको उतारने के बाद क्या करेंगे, हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। यहाँ पर लिख लीजिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो देखिए यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो देखिए वर्ग करने पर यहाँ पर लिख लेंगे x + y + z² और फिर यहाँ पर 12² हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसका होल स्क्वायर का फार्मूला खोल लेंगे, a² + b² + c² + 2ab + 2bc और प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 लिख लीजिए, 2bc + 2ca यानी कि zx हो जाएगा और फिर
जो है ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फार्मूला, और फिर यहाँ पर देखिए 12 का स्क्वायर करेंगे तो 12 बराबर 144 हो जाएगा। और अब यहाँ से देखिए इसकी जगह पर हम क्या करेंगे, इसकी जगह पर देखिए ये मान रखा जा सकता है क्योंकि यहाँ पर इसके बराबर 64 दिया हुआ है, तो इतने की जगह पर 64 लिखा जा सकता है। और यहाँ से देखिए क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा देखिए एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 2xy और प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स एक तरफ रखेंगे और इस 64 को इधर भेज देंगे तो 144 के साथ में क्या करेगा, माइनस करेगा क्योंकि उधर जो है वो प्लस में है। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 2xy और प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स बराबर 144 में से 64 जाएगा तो कितना बचेगा, देखिए यहाँ 0 हो जाएगा और 14 में से 6 जाएगा तो 8 से 14 होता है यानी 8 आ जाएगा। और फिर जो है क्या करेंगे, इस 2 को भी उधर भेज देंगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड और फिर प्लस जेड एक्स बराबर देखिए क्या हो जाएगा, 80। और यहाँ पर देखिए गुणा कर रहा है तो इधर जाएगा तो भाग करेगा, बटे 2 हो जाएगा तो यहाँ पर 40 हो जाएगा। तो यहाँ पर 40 जो है हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है इस टाइप के क्वेश्चन किए जा सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है, यदि इस मैदान की एक भुजा 125 मीटर हो तो दूसरी भुजा ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन भी जो है मैं हल करवा चुका हूँ, तो जो लोग देखे होंगे तो जानते होंगे कि कैसे ये हल होगा, अभी जल्द ही हल करवाया गया है। तो यहाँ पर देखिए इसको कैसे हल करेंगे। देखिए एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है, यदि इस मैदान की एक भुजा 125 मीटर हो तो दूसरी भुजा ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम एक हेक्टेयर बराबर कितना होता है, यानी कितने वर्ग मीटर होता है, तो यहाँ पर पैमाना लिख लेंगे। एक हेक्टेयर बराबर होता है देखिए 10,000 वर्ग मीटर, ये पैमाना लिख लीजिए। और देखिए यही फार्मूला अगर आपको याद होगा तो इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर एक हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर होगा, तो यहाँ पर 0.5 हेक्टेयर दिया हुआ है, तो 0.5 हेक्टेयर का मतलब क्या हो जाएगा, आधा हेक्टेयर। तो देखिए एक में 10 है तो आधे में कितने हो जाएंगे, तो आधे में हो जाएंगे देखिए 5,000, एक में 10,000 है तो आधे में हो जाएंगे 5,000 वर्ग मीटर। तो यहाँ पर देखिए हमको जो है आयताकार मैदान का क्षेत्रफल पता चल जाएगा, यानी कि क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 5,000 वर्ग मीटर हो जाएगा। अब हमको क्या ज्ञात करना है, हमको ज्ञात करना है उसकी एक भुजा, यानी कि एक भुजा दी हुई है और दूसरी भुजा हमको ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हम आयताकार मैदान के क्षेत्रफल का फार्मूला लगा देंगे, आयताकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला लंबाई गुणे चौड़ाई। तो देखिए यहाँ पर अभी लंबाई और चौड़ाई हमको निश्चित नहीं है कि ये जो दी हुई है ये लंबाई है कि चौड़ाई है, लेकिन हम दोनों की जगह पर कहीं पर भी इसको रख सकते हैं, जो संख्या बड़ी होगी वही क्या मान ली जाएगी, लंबाई मान ली जाएगी। यहाँ पर देखिए 125 दिया हुआ है तो यहाँ पर लंबाई हम 125 रख लेंगे और चौड़ाई मान लीजिए हमको निकालना है तो इसको ऐसे ही रखेंगे। और मैदान का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 5,000 दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर चौड़ाई को एक तरफ रखेंगे और फिर इस 125 को इधर पक्षांतर कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5,000 बटे 125। अब 125 से देखिए भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 125 चौको हो जाएगा 500, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, फिर एक जीरो है तो एक जीरो उतार लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 40 मीटर। तो इस प्रकार से देखिए 40 जो है यहाँ पर 125 से छोटी संख्या रही, इसका मतलब ये चौड़ाई ही होगी। तो इस प्रकार से चौड़ाई आसानी से निकाली जा सकती है, और या कह लीजिए इसकी जो दूसरी भुजा है वो आसानी से निकाली जा सकती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक न्याय पंचायत में 2x प्लस 3 ग्राम सभाएं हैं,
एक न्याय पंचायत में 2x+3 ग्राम सभाएं हैं। प्रत्येक ग्राम सभा में x² + 5x + 6 नलकूप हैं। न्याय पंचायत में कुल कितने नलकूप हैं? यदि x = 1 हो तो नलकूपों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, नलकूपों की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए यहाँ पर पंचायत में इतनी ग्राम सभाएं दिया हुआ है कि 2x+3 ग्राम सभाएं हैं और प्रत्येक ग्राम सभा में इतने नलकूप हैं। तो यहाँ पर देखिए हमको क्या करना है, कुल नलकूप निकालना है। तो कुल नलकूप निकालने के लिए क्या करेंगे, इनका आपस में गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए नीचे हम क्या करेंगे, लिख लेंगे कुल नलकूप बराबर, कुल नलकूप बराबर, कुल नलकूप बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों का गुणा हो जाएगा 2x+3 × x² + 5x + 6। तो यहाँ पर देखिए इनका गुणा हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले इसका गुणा पूरे में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x³, फिर यहाँ पर 2x का 5x से होगा तो कितना हो जाएगा, +5×10x² और फिर इसका इससे गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 6×12x और फिर देखिए इसका गुणा इससे होगा तो हो जाएगा 3x², फिर देखिए इसका गुणा इससे होगा तो 3×5=15x हो जाएगा और फिर देखिए इसका गुणा इससे होगा तो 6×3=18 हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस का 18 लिख लेंगे। उसके बाद फिर देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पर जो भी संख्याएं जुड़ घट रही उनको जोड़ घटा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए x³ वाली कोई और संख्या नहीं है तो यहाँ पर इसको ऐसे उतार लेंगे। उसके बाद x² के देखिए दो पद हैं तो इनको जोड़ लेंगे, प्लस में हैं तो यहाँ पर 10×3=13 हो जाएगा, 13x² हो जाएगा। फिर यहाँ पर x वाले भी दो पद हैं तो इनको भी जोड़ लेंगे तो यहाँ पर देखिए 12 और 15 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो यहाँ पर 27x लिख लेंगे और उसके बाद फिर यहाँ पर प्लस का 18 है तो प्लस का 18 उतार लेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये नलकूपों की कुल संख्या हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर कहा गया है कि यदि x = 1 हो तो नलकूपों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर नीचे हम लिख देंगे कि x = 1 रखने पर तो यहाँ पर x = 1 रख देंगे तब जो है कुल नलकूपों की संख्या क्या हो जाएगी। पुनः यहाँ पर लिख सकते हैं कुल नलकूप बराबर, यहाँ पर लिख लीजिए तब कुल नलकूप बराबर। तो यहाँ पर देखिए इसमें हम जो है x की वैल्यू रख लेंगे तो यहाँ पर 2 और 1 का क्यूब हो जाएगा +13 और फिर 1 का स्क्वायर हो जाएगा +27 × x हो जाएगा यानी कि 1 और फिर +18। और आप देखिए यहाँ पर 1 का क्यूब होगा तो 1 ही रहेगा तो यहाँ पर 2×1 हो जाएगा और +13×1 हो जाएगा और +27×1 हो जाएगा और +18 हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पर 2 × 1=2 और 3 × 1=13 हो जाएगा और +27×27 हो जाएगा और +18 हो जाएगा। अब इन सभी को जोड़ लेंगे तो देखिए यहाँ पर जो है 13×13=27 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 40 हो जाएगा और 40×18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 40×18 जोड़ेंगे 58 हो जाएगा और 58×2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो इस प्रकार से कुल नलकूपों की संख्या कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी और यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो 2016 का सेकंड सेट था ये पूरा का पूरा सॉल्व हो गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके सारे क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँचे। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।